नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने किया, चुनाव में टिकट बंटने को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई थी, जिसका नतीजा दोनों पार्टियों में विरोध के तौर पर देखने को मिला। 6 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख को रायपुर कलेक्ट्रेट में भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन बड़े जोर शोर के साथ भरा। आपको बता दें, प्रदेश में 21 दिसंबर को मतदान होगा जबकि 24 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं प्रत्याशियों से हुई बातचीत में सभी ने अपने पार्टियों और लोगों को धन्यवाद दिया है। वार्ड से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के लिए मैं पार्टी संगठन, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री कुलदीप जुनेजा जी और संगठन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। अब आज हम लोगों ने नामांकन किया है। अभी दो दिन हम लोग जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं पूरे वार्ड में उन लोगों के पास जाएंगे। 9 तारीख से डिक्लेयर हो जाएगा, जिसमें बी फॉर्म क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद 10 तारीख से हम लोग अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग चालू करेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पिछले एक वर्ष में शहर में 1 रुपये का काम नहीं कर पाई है और जो स्वीकृत काम है उसको भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है, उस इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिक से अधिक प्रत्याशी इस बार रायपुर नगर निगम में जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनाएंगे। आज सुबह ही हम लोग को आदेश मिला कि आपको नामांकन भरना है। हमारी सूची अभी तक जारी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमको बोला कि जाके आप लोग नामांकन दाखिल करिए। और जोश तो आप देख ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा है और अभी ये चुनाव नगर निगम चुनाव में भी ये जोश देखने मिलेगा। और हमारे युवा चेहरों को बहुत सारे पार्टी ने विश्वास जताया है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। विधायक रायपुर पश्चिम विकास उपाध्याय जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिलाया है, हमारे समाज को एक नेतृत्वकर्ता के नाम से जो हम लोगों को आज एक मौका मिला है कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नए पार्षद प्रत्याशी के रूप में सामने आके अपने वार्ड के लिए एक बेहतर काम करूँगा, और जिन्होंने मेरे पर भरोसा दिखाया है विधायक महोदय ने, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।